नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फिल्मी यार में, और मैं हूं आपका दोस्त उदय ठाकुर। दोस्तों, आज इस वीडियो में लव रिवेंज पर बनी हुई बहुत ही बेहतरीन रोमांटिक थ्रिलर मूवीज़ लेकर आ गया हूं, जिनमें आपको लव सेक्स के बाद धोखा भी देखने को मिलने वाला है, जिसके बाद आपको रिवेंज भी देखने को मिलेगा इस वीडियो में। दोस्तों, इस टॉपिक पर मैं और भी दो वीडियो बना चुका हूं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसे आप एक बार जरूर देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे भाई आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करना मेरे भाई। देखिए, अगर सब्सक्राइबर बढ़ते रहते हैं तो हम भी थोड़ा मोटिवेट हो जाते हैं और हमारा भी मन लगता है वीडियो बनाने में। सो आप समझ ही रहे हैं, तो तुरंत लाल बटन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 5 पर आती है एक्सरे मूवी, जिसमें आपको यासिका कपूर, राहुल शर्मा आदि कलाकार प्रमुख रोल में देखने को मिलने वाले हैं, जिसको IMDb की तरफ से 3.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और इसे 70% गूगल यूजर्स ने पसंद भी किया है। बात करते हैं मूवी की स्टोरी लाइन की, तो मूवी में एक लड़का होता है जो कि एक लड़की को एक तरफा प्यार करता है, मगर कहानी में ट्विस्ट तब देखने को मिलता है जब वह लड़की उसके प्यार को एक्सेप्ट नहीं करती। तब वह लड़का उससे बदला लेने के लिए उसके साथ जबरदस्ती करता है और फोर्सली रेप करने की कोशिश करता है। अब वह लड़की अपने आप को कैसे बचाएगी और उससे कैसे रिवेंज लेगी, ये सब जानने के लिए आपको पूरी मूवी देखनी पड़ेगी। मूवी काफ़ी अच्छी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नंबर 4 पर आती है इश्क नॉट ए लव स्टोरी मूवी, जिसमें आपको तेजा सज्जा, प्रिया प्रकाश बैरियर के साथ और भी बड़े कलाकार लीड रोल में देखने को मिलने वाले हैं। इस मूवी को IMDb की तरफ से 5.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और इसे 84% गूगल यूजर्स ने पसंद भी किया है। बात करते हैं मूवी की स्टोरी लाइन की, तो मूवी में एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते हैं, जिन्हें पुलिस द्वारा परेशान किया जाता है, मगर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वह लड़का रिवेंज लेना चाहता है, तभी उसके बाद सारी सच्चाई खुलकर सामने आती है। जानना यह है कि वह लड़का किससे रिवेंज लेना चाहता है, अपनी प्रेमिका से या उन पुलिस वालों से, तो आपको यह मूवी देखनी पड़ेगी। मूवी काफ़ी बेहतरीन है, जिसमें आपको पल पल में थ्रिल देखने को मिलने वाला है। मूवी को नहीं देखा है, मूवी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। काउंटडाउन के नंबर 3 पर आती है 7 मूवी, जिसमें आपको रंगयाना रघु के साथ और भी कलाकार रिलोर में देखने को मिलने वाले हैं, जिसको टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से 3.5 आउट ऑफ 5 की रेटिंग मिली है। बात करते हैं मूवी की स्टोरी लाइन की, तो मूवी में 7 नाम के एक राउडी लड़के को एक लड़की अपने प्यार के जाल में फंसा लेती है और उससे एक डॉन का कत्ल करवाती है, जिसके बाद वह अपना असली रंग सामने दिखाती है और उसे छोड़कर चली जाती है। अब देखना यह है कि वह 7 नाम का जो रावड़ी है अपने प्यार का इंतकाम कैसे लेता है, ये सब जानना चाहते हैं तो आपको यह मूवी देखनी पड़ेगी। मूवी ठीक ठाक है, जिसे आप एक बार जरूर देख सकते हैं। नंबर 2 पर आती है वालभा मूवी, जिसमें आपको सीलम वर्सन, रीमा सेन के साथ नयनतारा भी देखने को मिलने वाली हैं, जिसको IMDb की तरफ से 4.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और इसे 86% गूगल यूजर्स ने पसंद भी किया है। बात करते हैं मूवी की स्टोरी लाइन की, तो मूवी में त्रिकोणीय प्रेम कहानी है, जहाँ पर एक लड़की एक लड़के को बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है, मगर कहानी में ट्विस्ट तब देखने को मिलता है जब उस लड़की को रिजेक्शन मिलता है उस लड़के द्वारा, तब वह लड़की उस रिजेक्शन के अपमान का बदला लेने की कोशिश करती है और उस लड़के की ज़िंदगी हराम कर देती है, जीना हराम कर देती है। बहुत ही बढ़िया मूवी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मगर मेरे भाई यह मूवी आपको तमिल में देखनी पड़ेगी या हिंदी में अभी तक उपलब्ध नहीं है। तो फाइनली हमारे काउंटडाउन के नंबर 1 पर जो मूवी आती है वह थोड़ी सी पुरानी है, मगर बहुत ही बेहतरीन मूवी है, जिसे मुझे इस काउंटडाउन में शामिल करना ही पड़ा, जिसका नाम है अंजाम, जिसमें आपको माधुरी दीक्षित, शाहरुख खान आदि कलाकार प्रमुख रोल में देखने को मिलने वाले हैं, जिसको IMDb की तरफ से 6.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और इसे 74% गूगल यूजर्स ने पसंद भी किया है। बात करते हैं मूवी की स्टोरी लाइन की, मूवी में विजय यानी कि शाहरुख खान जो है एक बड़े बाप का बेटा होता है, जिसे माधुरी दीक्षित यानी कि शिवानी नाम की एक लड़की से प्यार हो जाता है, एक तरफा प्यार बोल सकते हैं, और वह शिवानी को प्रपोज करता है और शिवानी उसे रिजेक्ट कर देती है क्योंकि वह किसी और से प्यार करती है, जिसके बाद जो है शाहरुख खान एक साइकोपैथ का रूप ले लेता है, बहुत ही खतरनाक रूप लेता है और उसे टॉर्चर करना शुरू कर देता है, जिसके कारण से उसकी बेटी की मौत भी हो जाती है। अब भैया असली ट्विस्ट तो यहाँ से शुरू होता है, उसके बाद माधुरी दीक्षित जो है शाहरुख खान को किस कदर टॉर्चर करके मारती है, ये सब देखने में काफ़ी ज़्यादा आपको मजा आने वाला है। अगर मूवी को आपने गलती से भी मिस कर दिया है तो मूवी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पर जाकर आप मूवी को बिल्कुल फ्री में इंजॉय कर सकते हैं।
तो आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई शिकायत या सुझाव हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं हर एक कमेंट का जवाब देता हूँ। वीडियो पसंद आता है या नहीं पसंद आता है आप हमें कमेंट्स में जरूर बताना मेरे भाई। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय।